Hi guys, welcome back. Today we will discuss evolution of popular literature in America. This is for semester 3, core course 6, unit 1. Let us see. आज हम लोग देखेंगे evolution of popular literature in America. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि period of evolution क्या था और इसके कौन-कौन से forms थे. So the evolution of American popular literature can well be traced as a collection of works having mass appeal published in America from approximately 1840 to 1940. ये जो period है, यह period माना जाता है 1840 से 1940 का period जो है, उसको माना जाता है कि American popular literature का उद्भव जो है, इसी दौरान हुआ है. The collection contains first or early editions of bestsellers by both American and British authors of this period. इस पीरियड के दौरान ही अमेरिकन और ब्रिटिश ऑथर्स ने बेस्ट सेलर्स यानी जो सबसे ज्यादा किताबें बिकी बहुत पॉपुलर हुई ये छपती दिखाई पड़ी. ऑल्सो इंक्लूडेड आर पॉपुलर हिस्ट्री गिफ्ट बुक्स पोइट्री पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस दैट वर बेस्ट सेलर्स और इंटेंडेड फॉर मास ऑडियंसेस सच एज बॉयज एंड गर्ल्स सीरीज बुक्स राइट. तो ये इसके फॉर्म्स थे. इसके अलावे आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री बुक्स पॉपुलर हिस्ट्री गिफ्ट बुक्स पोइट्री पीरियोडिकल्स अदर पब्लिकेशंस जो है वो बहुत बेस्ट सेलर हुए और यह हर प्रकार के ऑडियंस के लिए बहुत ही उपयुक्त थे जिसके कारण ये बेस्ट सेलर भी हुए. मोस्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स एंड पॉपुलर लिटरेचर ये जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं अमेरिका में वो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलर लिटरेचर के लिए भी. लाइक ट्रांसेंडेंटलिज्म 1840 टू 1860, रियलिज्म 1865 टू 1914, नेचुरलिज्म 1885 टू 1930, रीजनलिज्म 1865 टू 1895, मॉडर्निज्म 1914 टू 1945. सो यू कैन फाइंड दैट 1840 से लेकर 1945 का जो पीरियड रहा यह पॉपुलर लिटरेचर का पीरियड रहा है. तो इस दौरान जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं वो बहुत मदद करते हैं पॉपुलर लिटरेचर को इवॉल्व होने में राइट. द 1840s एंड 1850s प्रोड्यूस्ड मेनी पॉपुलर अमेरिकन फिक्शन क्लासिक्स. इस दौरान बहुत सारे फिक्शंस और क्लासिक्स जो हैं वो अमेरिकन लिटरेचर में देखे गए पॉपुलर लिटरेचर में देखे गए सच एज हरमन मेलविलेज मोबी डिक जो कि 1851 में आया एंड नैथनियल हॉथ्रोन्स द स्कारलेट लेटर 1850, हैरियट बीचर स्टोव्स एंटी स्लेवरी स्टोरी अंकल टॉम्स केविन 1852 वॉज द बेस्ट सेलिंग नॉवल ऑफ द 19th सेंचुरी. लिटरेचर ऑफ द इमीडिएट पोस्ट सिविल वॉर पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय पैरोक्लिज्म जिसको कहते हैं संकरणता. तो सिविल वॉर के बाद पोस्ट सिविल वॉर जो पीरियड था उस दौरान जो लिटरेचर आए उसमें संकरणता देखने को मिलती है बहुत नैरोइज्म था. So the two great exceptions to the trend and precursors of new realism were Henry James and Mark Twain. The इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने realism को लाना शुरू किया, like Henry James and Mark Twain. Realism and popular literature. तो popular literature में realism का आगमन हो गया. While James immigrated to Europe and embraced psychological realism in novels such as Portrait of a Lady, Mark Twain used distinctive national dialects. इन ह्यूमरस क्लासिक्स सच एज हकलबेरी फिन 1855. तो ये जितने भी वर्क्स थे इसमें आप साइकोलॉजिकल रियलिज्म देख सकते हैं और ये बहुत पॉपुलर भी हुए. सो रियलिज्म फेड इनटू नेचुरलिज्म. इसके बाद नेचुरलिज्म का आगमन देखा जाता है जिसमें रियलिज्म के साथ साथ नेचुरलिज्म को भी डाला गया. प्रोड्यूसिंग राइटर्स लाइक थियोडोर ड्रेजियर एंड एडिथ वॉटन एंड ग्रेट वर्क्स उनके जितने भी ग्रेट वर्क्स भी हैं ये देखने को मिलते हैं. Stephen Crane's Red Badge of Courage 1895 was groundbreaking in its naturalistic treatment of American Civil War. तो American Civil War से related ये जो work आया वो groundbreaking माना जाता है. Emily Dickinson was finally published posthumously in 1890. तो Emily Dickinson के जितने works थे वो ही popular हुए जो कि उनके मौत के बाद publish हुए 1890s में, right? Emergence of Lost Generation. किस प्रकार फिर से लॉस्ट जनरेशन का इमर्जेंस हुआ आगमन हुआ. तो शुरुआती 20वीं शताब्दी में अमेरिकन राइटर्स जो थे वो बाहर चले गए उन्होंने लिखना छोड़ दिया
सो इन पेरिस जर्टूड स्टेन हेल्ड कोर्ट ओवर द लॉस्ट जनरेशन अ लार्ज ग्रुप ऑफ इमिग्रेट्स दैट इंक्लूडेड अर्नेस्ट हेमिंग्वे एंड हेनरी मिलर. तो इन लोगों को बाद में देखा गया जो लॉस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें से अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नाम आता है, हेनरी मिलर का नाम आता है. T.S. Eliot and Ezra Pound led the search for experimental poetic forms. T.S. Eliot, Ezra Pound ऐसे लोगों ने experimental poetic forms की शुरुआत की. Eliot's bleak and fragmentary poem The Westland, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ 1922 में, so is often viewed as the archetype of high modernism. इसमें high modernism देखा गया. Wallace Stevens and William Carlos Williams डेवलप द न्यू पोइट्री, नई पोइट्री का आगमन हुआ जो कि बहुत पॉपुलर हुई. वाइल विलियम फॉकनर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट. बाद में विलियम फॉकनर जो थे बहुत ही पॉपुलर हुए लीडिंग मॉडर्निस्ट नॉवलिस्ट के रूप में. द हार्लेम रेनेसां जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पुनर्जागरण है ये. सो दिस मूवमेंट विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स. तो अमेरिका में ही अफ्रीकन लोगों ने जो लिखना शुरू किया, सच एज लैंगस्टन ह्यूज. द स्टाइल एंड डिकेडेंस ऑफ द जैज एज इन 1920s, न्यूयॉर्क वॉज कैप्चर्ड बाय एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड इन द ग्रेट गैट्सबी इन 1925. ये जो स्टाइल और डिकेडेंस ऑफ जैज एज है वो 1920 ईस्वी के दौरान न्यूयॉर्क में जो हुआ उसे कैप्चर किया गया एफ स्कॉट फिट्जेराल्ड के द्वारा उनके ग्रेट वर्क द ग्रेट गैट्सबी में, राइट. तो ये बहुत सारे पॉपुलर वर्क्स सामने आने लगे एंड पॉपुलर राइटर्स भी हुए. सो द 1920s आल्सो विटनेस द डेब्यू ऑफ द फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन ड्रामेटिस्ट यूजीन ओनिल. ड्रामा भी देखने को मिला और यह डेब्यू देखा गया यूजीन ओनिल ने शुरुआत की ड्रामा की. सो राइटर्स सच एज जॉन स्टेनबेक, कार्सन मैककलर्स एंड यूड्रा वेटली emerged in the 1930s. तो इस दौरान ये ड्रामेटिस्ट भी आए. सो हार्लेम रेनेसां ने ड्रामा को भी इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत पॉपुलर भी हुआ. पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर देखने को मिलता है हमें. द वायलेंस ऑफ वॉर ऑफ द 20th सेंचुरी क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड मीनिंगलेस एब्सर्डिटी ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर एंड ड्रामा. तो 20th सेंचुरी जब पोस्ट वॉर पीरियड हम देखते हैं, जब वर्ल्ड वॉर हुए, तो उसके बाद जो देखने को मिलता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टराइज पोस्ट वॉर पॉपुलर लिटरेचर और ड्रामा सामने आते हैं. इन द 1950s मेजर ड्रामेटिस्ट सच एज आर्थर मिलर, एडवर्ड एल्बी, सैम शेफर्ड डेवलप्ड द अमेरिकन थिएटर. यहां पर अमेरिकन थिएटर का विकास देखा गया, इन लोगों ने किया. अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स सच एज रिचर्ड राइट, राफ एलिसन एंड जेम्स बॉल्डविन डेल्ट विथ रेशियल इनइक्वालिटी एंड वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी यूएस सोसाइटी. तो उस जमाने में जो रेशियल इनइक्वालिटी थी, जो हिंसा हो रही थी, उस पर यूएस सोसाइटी में जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो घटनाएं थी उसको इन लोगों ने ड्रामा की मदद से दिखाया, थिएटर की मदद से दिखाया. माया एंजेलो एंड टॉनी मॉरिसन फोकस्ड ऑन द 20th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन. तो इन लोगों ने क्या किया, फोकस किया 20th सेंचुरी हिस्ट्री के ऊपर और अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को लेकर बहुत सारे पॉपुलर लिटरेचर सामने लाए. मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पॉपुलर लिटरेचर. मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पॉपुलर लिटरेचर का भी आगमन हुआ ड्यूरिंग द 1960s. नॉवेलिस्ट सच एज सॉल विलो, फिलिप रॉथ एंड जोसेफ हेलर एग्जामिन्ड द जीविश अर्बन इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू अमेरिकन सोसाइटी. तो अमेरिकन सोसाइटी में इनका भी आगमन हुआ. ऑफन अडॉप्टिंग अ डीपली आयरनिक टोन, आयरनिक सिचुएशन को और टोन के साथ अमेरिकन सोसाइटी की समस्याओं को जो भी थी उसको दिखाने की कोशिश की. ह्यूमर वॉज ऑल्सो अ मेजर आउटलेट फॉर राइटर्स सच एज जॉन अपडाइक, कर्ट वॉनगेट एंड थॉमस पिंचॉन. तो इस तरीके से ये राइटर्स आए जिन्होंने ह्यूमर को सामने लाने की कोशिश की. अ मेजर ट्रेंड इन अमेरिकन पोइट्री वॉज द कन्फेशनल स्टाइल ऑफ पर्सनल रिवेलेशन बाई पोइट सच एज रॉबर्ट लॉवेल एंड सेल्विया प्लाथ. तो सेल्विया प्लाथ के पोएम आप पढ़ ही रहेंगे. तो इन लोगों ने पोइट्री को बहुत कन्फेशनल स्टाइल में प्रस्तुत किया और रिवील किया कि किस प्रकार व्यक्तिगत तरीके से भी कविता को सामने लाया गया, जिसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और यह बहुत पॉपुलर हुआ. सो पोस्ट मॉडर्निज्म इन्फॉर्म्ड द वर्क ऑफ राइटर्स सच एज
कैथी एकर एंड ब्रेट एस्टन एलिस। सो इस तरीके से पॉपुलर लिटरेचर, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पॉपुलर लिटरेचर को आप यहां देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन अमेरिका, राइट? सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग।